सियांग वैली के अंदर सियांग नाम से हिंदुस्तान में आती है, उसके बाद सियांग लोहित और सियांग नदियां मिलकर के ब्रह्मपुत्रा बनती हैं। और माँ गंगा, जैसे आपको मालूम है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के हृदय के बीच से निकल करके दोनों नदियां दोबारा आकर के वेस्ट बंगाल के अंदर देव बंगाल में अपने आखिरी समय में दोबारा एक साथ आती है। जन्म एक साथ है, मृत्यु के अंदर आखिरी समय में फिर से एक साथ है। एक की पूजा करते हैं, एक से डरते हैं। ब्रह्मपुत्रा से हम आज भी, मैंने वहां पे नौकरी किया है, ब्रह्मपुत्रा को एक टेरर, एक डर वहां के लोगों को इस नदी से है। और माँ गंगा की हम पूजा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए, जन्म एक समय एक जगह पे होता है, मृत्यु एक जगह होती है, लेकिन जो कर्म अपने जीवन में हम करते हैं उसी कर्म की वजह से एक की पूजा होती है। और एक को हम जो है एक टेरर, एक गुस्सा, ब्रह्मपुत्रा नदी ने हर साल अपना चैनल बदली किया। कोई सिविलाइजेशन वहां पे नहीं पनप सका। वहां पे इतना विनाश, इतना उसने बहस नहस किया कि लोग डरते हैं। माँ गंगा के किनारे सिविलाइजेशन पनपे, लोगों ने जो है खेती करके इसके जल से जो जो समृद्धि फैली है उसी के लिए हम माँ गंगा की पूजा करें। तो कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करें अपनी जिंदगी में। ये संदेश आप, एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये भी आप अपने अभियान में जोड़िए। देश के नागरिकों को, युवाओं को ये संदेश दीजिए कि जो हम कर्म करेंगे हमारे जीवन में वही इम्पोर्टेंट है। हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ हमारी मृत्यु होगी, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छे कर्म करें। आप अच्छे कर्म करेंगे तो जैसे माँ गंगा की पूजा होती है, आपका जीवन भी सफल होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।